हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ एक्ट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंड इरोजन टुडे ओके तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे वाटर इरोजन जो कि हमारा सॉल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियर का पोर्सन है ठीक है तो ये वाला जो पोर्सन है ये हमारे जो आने वाला एग्जाम है असिस्टेंट कंजर्वेशन इंजीनियरिंग वो वाला वो वाला, वाला पार्ट में ये आ सकता है आगे नोटिफिकेशन आने वाला है तो आप एग्जाम के लिए जो है पेपर करना ठीक है तो ये वाला पोर्सन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है ठीक है अगर आपने अभी तक पिछले वाला सेशन नहीं देखे तो ऊपर आने वाले कार्ट क्लीट कीजिए और देखिएगा ठीक है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो कर लेना क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके लिए रोज ही हम लेके आने बने जनरल एग्रीकल्चर सेशन का भी क्वेश्चन लेके आ, आ रहे हैं तो वो वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का तो क्या है? जो हमारा जो सॉइल पार्टिकल्स होते, है, होते है। ये जो विंड के प्रभाव से विंड के प्रभाव से द तो इफेक्ट ऑफ विंड और इंपैक्ट ऑफ विंड के वजह से जो सॉइल पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक

ठीक है तो इनिशिएशन मोमेंट कब होगा जब कुछ फोर्स होगा ओके जब किसी पार्टिकल या किसी वस्तु को हम कुछ फोर्स करेंगे तो वो मूवमेंट इनिशिएट होगा फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे खड़े होंगे ओके और सडनली एक व्यक्ति आएगा आपको एक फोर्स देगा आप, आपको पुल करेगा तो क्या आपको आप पुश करेगा तो आपको क्या होगा आप मूवमेंट करेंगे ओके तो, तो द सॉल पार्टिकल्स आर फर्स्ट डिटास्ट

उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं एक, तो एक जोड़ होके रहते है कि जब वो टूट जाएगा तब जाके जो विंड का जो फोर्स होता है वो बहुत ही आसान होगा उसको मूव करने के लिए सो आफ्टर सोल पार्टिकल्स आर मूव और ट्रांसपोर्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट हैज बीन स्टार्टेड तो अगला प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ठीक है

हमारे जो सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो विंड इरोजन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाके डिपोजिट होते हैं ठीक है सो so, तीन प्रोसेस हम आज डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से ओके और जितना भी हमारा अगर देखा जाए तो जितना भी हमारा विंड इरोजन हो रहा है वन प्लेस टू तो अन प्लेस अगर एक वर्चुअल हाइट ले और मेजरली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो विद इन वन मीटर हाइट भी वाइट हाइट में ही

कम फोर्स लगाना पड़ता है सस्पेंशन करने के लिए जो की जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से विंड के भाव से वो चले जाते है एक प्लेस टू अनदर प्लेस तो जब सस्पेंशन शुरू होगा छोटे 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 मॉलिक्यूल जब वे बहने लगेंगे तो ये क्या करेंगे ये सॉइल को फोर्स करेंगे तो सॉइल में जो उनसे भी थोड़ा पार्टिकल साइज होंगे वो मॉप करेंगे ऐसे जंप करेंगे ठीक है देन व्हेन डीज पार्टिकल्स विल बी जंप will jump. So what will happen? The other larger molecules they'll be hit. Yes or no? When they will jump, they will hit the another molecule. So so cordially these molecules also move and they will be creep in the ground. Okay. So when suspension will be more so when flow will be more they will be hit the ground. So that saltation will be start. When the saltation will be start other molecules other larger larger molecules will be creeped on the ground. So that is one this is summary of the mechanics. Okay. So Once, समझ लेते हैं सस्पेंस में क्या आता है ओके okay? ये, ये तो हमने पढ़ लिया इट अकर्स वेन वेरी फाइन डेंड डोस्ट पार्टिकल्स आर लिफ्टेड इन टू द एटमोसफेयर ठीक है ये जब स्मॉल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल जो ये जाके सस्पेंशन में बदलता है दे कैन बी थ्रोन इंटू द एयर थ्रू इम्पैक्ट विद अदर पार्टिकल्स और बाय द विंड इट्स मतलब एक पार्टिकल एक पार्टिकल लगा के जो फोर्स मिलता है उससे भी हो, सो, सो, हो सकते हैं या विंड के वजह से ही हो सकते है? ठीक है एंड मोस्ट फेक्टुलर एंड ईजिएस्ट टू रिकॉग्नाइज मेथड है ये ओके okay? इसको मतलब हम देख सकते हैं आप हम इसको देख सकते हैं कि या विंडल हो रहा है थीके? और ये कहाँ पे हो रहा है लेस देन जीरो पॉइंट वन एम एम पार्टिकल साइज में होता है ये वाला आता है और कितना परसेंट इसके वजह से लॉस होता है थ्री टू फोर्टी परसेंट विंड के वजह से ये जो पार्ट है सस्पेंसन लॉस होता है ठीक है तो अगर हम वन हंड्रेड परसेंट लें जन तो उससे थ्री टू फोर्टी परसेंट किससे हो जाता है सस्पेंशन प्रोसेस से हो जाता है ठीक है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए देन आता है हमारा सॉल्टेशन ठीक है तो जब सस्पेंशन पार्टिकल शुड बी हिट द ग्राउंड देन द दिल मोर लार्जर पार्टिकल देन द सस्पेंशन दे विल बी स्टार्ट मूविंग ठीक है द सोल्टेशन मूवमेंट इज कॉज बाय द प्रेशर ऑफ द विंड और सोल्व पार्टिकल्स एज वेल एज मतलब एक पार्टिकल आके दूसरे पार्टिकल को जब वेट करता है, और थोड़ा बढ़ जाता है. अगर एक आप भी थोड़ा मूव कर रहे तो जब ये पार्टिकल आ, ये साइकिल का स्पीड आके जब आपको लेगा तो आप और थोड़ा मूव करने लगे तो उसका होती है कॉलिजन उसके वजह से भी सोल्टेशन होता है तो सॉल्व पार्टिकल जब जो पॉइंट 1 टू 0.5 mm का होगा तो इस तरह का मूवमेंट होता है मूवमेंट इज सीरीज ऑफ बाउंसेस एंड जंप्स ओके ये वाला आपके एग्जाम में आ सकते हैं कौन सा प्रोसेस में द सॉइल पार्टिकल मूव्स इन बाउंसेस एंड जंप्स दैट इज साल्टिसन पार्टिकल साइज पुसेस एज 0.1 टू 0.5 ठीक है फाइन सॉइल पार्टिकल्स आर लिफ्टेड इनटू द एयर बाय द विंड एंड ट्रिप हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द सरफेस इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एज दे मूव सो जॉब मैंने बोला जैसे कि सस्पेंशन जब मूव करेगा तो क्या होगा बढ़ेगा तब जाके ये हिट करेगा ग्राउंड को एंड देन सोल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट तो इस प्रोसेस से देखा जाए तो फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दॉइल लॉस अकॉर्डिंग टू सॉल्टेशन ओके में सॉल्टेशन का कितना 50 so it, it okay, ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में

फाइव टू ट्वेंटी अगर आप देखिए तो वन हंड्रेड परसेंट ये आ जाते हैं ऑलमोस्ट ठीक है तो ये तीनों मेकनिज्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में इन तीनों प्रोसेस से ही क्वेश्चन आता है ठीक है आपको पार्टिकल साइज पूछा जा सकता है देखा जाए तो पार्टिकल साइज साइजेंस कितना है से लेस देन में तो, है है में टू मतलब मीडियम मतलब मिडिल का साइज है और सॉफ्टवेयर स्कीम में मोर देन जीरो पॉइंट फाइव पाया जाता है ठीक है आपको दो वैल्यू याद रखना है जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट वन से लेस देन हुआ तो सस्पेंशन

बहुत ज्यादा होगा पार्टिकल फोर्स के हिसाब से तब जाके ये डिपोजिट करेगा डिपोजिशन ऑफ सॉल पार्टिकल्स ऑकर्स द द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल इन द एयर तब जाके ये डिपोजिट करेगा या कोई अवाल हो गया या कोई रेन रेनड्रॉप अगर बारिश हो गया तो वो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बढ़ जाएगा और वो नीचे आके वो डिपोजिट हो जाएंगे ठीक है तो इसको एस्टिमेट करने के लिए एक इक्वेशन एक है जैसे कि हमारा जो वाटर और जो वाटर इरोजन को भी अगर हम इस्टीमेट करें तो उसका भी एक इक्वेशन था इक्वल टू एन एस सीपी ठीक है वो वाला इक्वेशन था आरके एन एस सीपी इसको किसने दिया था स्मेयर ने दिया था ठीक है स्मेयर ने दिया था वैसे ही आ, को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं आई आर के एफ सी डब्ल्यू टी पी एस इस इक्वेशन को एन पी ड्रॉप एंड एफ एस सीडवे ने दिया था नाइनटीन सिक्सटी फाइव में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका ठीक है और यहाँ पे इज इक्वल टू सॉइल लॉस बाई क्या है इसमें सॉइल क्लाउडी क्लोर फैक्टर ओके सॉरी सॉइल क्लोर फैक्टर मतलब सॉइल कितना क्लोडी है उसको ये दर्शाता है

सो so, ये दर्शाते हैं सॉर्फेस सौर्फ, रफनेस को देन एफ इज द दॉल्ट टेक्सचर क्लास फैक्टर मतलब कौन सा क्लास का है कौन सा टेक्सचर सैंड सिल्ड क्ले अगर क्ले है तो उसको थोड़ा ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा और ब्रेक करने के बाद बहुत इजीली वो क्या हो जाएगा विंड इरोजन के ससेप्टेबल हो जाएगा देन सी इज ए फैक्टर रिप्रेजेंट लोकल विंड कंडीशन मतलब ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड है उसको भी ये दर्शाते हैं डी इज विंड विंडशन फैक्टर कौन से दिशा में हो जाता है

और एस्टिमेट और हम इसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे इसको किसने दिया था ने दिया था एनपीपीडियो .E. में इसका इक्वेशन आई आर के एफ सी डब्ल्यू डी ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट विंड इरोजन तो आवाज सॉयल एंड वाटर का वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया अगले क्लास में इसका जो मेजर्स होते हैं कौन सा इंजीनियरिंग मेजर्स हाउ टू प्रोटेक्ट द इरोजन ओके इकोनॉमिक मेजर एंड मैकेनिकल मेजर वो वाला हम डिस्कसिंग करेंगे पार्ट सी थी ठीक है तो मिलेगा पार्ट सी में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है थैंक यू गाइस फॉर मोर अपडेट्स जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एग्रीबस द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक इट आउट